यूपी में अब बिजली देगी छटका। गर्मी के लिए 11 रुपए यूनिट बिजली खरीदने की तैयारी। उपभोक्ताओं पर पड़ेगा इसका असर। प्रदेश में गर्मी सीजन में बिजली संकट से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत कॉर्पोरेशन निजी कंपनियों से 11 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगा। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। महंगी दर पर बिजली खरीदने का असर भविष्य में उपभोक्ताओं पर पड़ता है। उधर उपभोक्ता परिषद ने महंगी दर पर बिजली खरीदने की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। गर्मी के सीजन में ज्यादा मांग को देखते हुए सभी राज्य अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करते हैं। दो साल पहले दीर्घकालीन योजना में 8 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी गई। पिछले साल अप्रैल से सितंबर के बीच करीब 26,537 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ी, जो कि प्रदेश में करीब 26,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की व्यवस्था है। ऐसे में निजी कंपनियों से अतिरिक्त बिजली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं इस वर्ष गर्मी के सीजन में करीब 28,000 मेगावाट से ऊपर मांग पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में पावर कॉर्पोरेशन ने अभी तक से तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए कॉर्पोरेशन करीब 11 रुपए की दर से बिजली खरीद रहा है। दीप पोर्टल के माध्यम से अप्रैल से सितंबर तक के लिए 3 कंपनियों को टेंडर जारी किया गया है। इसमें रायपुर एनर्जी लिमिटेड से अप्रैल एवं मई के लिए 11 रुपए प्रति यूनिट की दर से 250 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी। इसी तरह अदानी मुद्रा पावर लिमिटेड से जून से सितंबर के बीच 250 मेगावाट 9.59 से 11.10 रुपए प्रति यूनिट तक और प्रयागराज स्थित पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड से 50 मेगावाट 11 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी जाएगी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने पावर एक्सचेंज पर 12 रुपए प्रति यूनिट की जगह 6 रुपए प्रति यूनिट सीलिंग लगाने की मांग की है। उन्होंने बिजली खरीद की नीति में बदलाव की भी मांग की है, ताकि महंगी दर पर बिजली न खरीदी जाए। उन्होंने बताया है कि पहले पावर एक्सचेंज पर 20 रुपए प्रति यूनिट की बिजली बिक रही थी। परिषद के विरोध के बाद इसे 12 रुपए किया गया है, लेकिन यह दर भी अधिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि घरेलू बिजली उत्पादन की दर 6 रुपए प्रति यूनिट से अधिक नहीं पड़ रही है। परिषद ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक विदेशी कोयले की खरीद नहीं हुई है, लेकिन विदेशी कोयला आधारित उत्पादन इकाइयों से महंगी बिजली खरीदी जा रही है। इसका खामियाजा भविष्य में प्रदेश के उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा।